हाय फ्रेंड्स, स्टेप लर्निंग यूट्यूब चैनल में आपका बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम न्यू जॉब नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा निकाली गई है। और ये किस में निकाली गई है? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी है। और ये फॉर्म आपका कब निकला है? 7/9/2020 को फॉर्म निकला है। और इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और किस प्रकार का सिलेबस रहेगा, और क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी, इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कैंडिडेट को इंश्योर करना होगा कि उनकी जो एलिजिबिलिटी है वो उसको कर एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए या नहीं। तो सेकेंडली, जहाँ पे हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं, अप्लाई करने के लिए हमें www.upsconline.nic.in पे हमें जाना होगा, जिसमें कि हमें जो भी हम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके बाद हमें केवल एक आईडी कार्ड जो हमें अपलोड करना होगा, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, एनी अदर फोटो आईडी कार्ड जिस पे आपकी फ़ोटो लगी होगी और स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया होना चाहिए। और आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो भी आप आईडी कार्ड जहाँ पे यूज़ करोगे, वो फ्यूचर में आप जब भी एग्ज़ाम देने जाओगे और जो भी आपका इंटरव्यू होगा वहाँ पे जे आपको लेकर जाना पड़ेगा। और जहाँ पे जो लास्ट डेट फॉर सबमिशन एंड विदड्रॉल ऑफ अप्लीकेशन आ रही है, वो कितनी आ रही है? 7 सितंबर 2020 को, ठीक है? तो 7 तारीख इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। और जहाँ पे अगला पॉइंट हमारे पास है कि पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स, तो जहाँ पे जो भी आपके रॉन्ग आंसर होंगे उनके लिए नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, वो कितनी है? 1/3, 0.33 जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ओमर शीट, ये आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन रहने वाला है, और इसके लिए जहाँ पे क्या इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आप इसमें केवल ब्लैक वॉल पॉइंट पेन का यूज़ कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, और इसके साथ आप कोई भी पेंसिल इंक पेन का यूज़ नहीं करोगे। ओके फ्रेंड्स, तो केवल आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का ही यूज़ यहाँ पे करना है। उसके बाद हमारे पास है जहाँ पे आप एक नंबर दिया गया है स्क्रीन पे, इस नंबर पे आपको जो भी आपके डॉट्स क्यूरीज वगैरह हैं, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। और कॉल करने का टाइम कितना है? 10 बजे से शाम 5 बजे तक। और नेक्स्ट हमारे पास जहाँ पे जॉब वैकेंसीज निकली हैं, वो किस किस फोर्सेज में निकली हैं, तो वो निकली हैं BSF में 78 पोस्ट हैं, और CRPF में 13, CISF में 69, ITBP में जहाँ पे 27 हैं, और SSD में 22। टोटल कितनी वैकेंसीज हैं? 209 वैकेंसीज यहाँ पे दी गई हैं। उसके बाद जहाँ पे सेंटर सेंटर जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी सेंटर आप अप्लाई करोगे, तो जहाँ पे लिखा गया है कि जो भी कैंडिडेट फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट लोट, कि जो कैंडिडेट पहले अप्लाई करेंगे उनको एग्ज़ाम जो सेंटर होंगे उनके कैपेसिटी के हिसाब से उन्हें फर्स्टली अलॉट किए जाएंगे। तो जहाँ पे सेंटर क्या रहने वाले हैं? अगरतला, अहमदाबाद, आइजवाल, बेंगलोर, बरेली, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, कटक, देहरादून, दिल्ली, दरबार, दिसपुर, गंगटोक, हैदराबाद, इम्फोल, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, जोरहट, कोची, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, मदुरई, मुंबई, नागपुर, पणजी, पटना, पोर्ट ब्लेयर, प्रयागराज, इलाहाबाद, रायपुर, रांची, संबलपुर, शिलोंग, शिमला, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति, उदयपुर, विशाखापत्तनम। तो ये हमारे पास सेंटर दिए गए हैं, आप अपने जो भी आपको नज़दीक सेंटर रहेंगे आप उन सेंटर्स को भर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जहाँ पे कि जो भी कैंडिडेट जहाँ पे द EWS कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर CAPF एग्ज़ाम 2020 मस्ट प्रोड्यूस एन इनकम एंड एसे सर्टिफिकेट। तो जो भी EWS में कैंडिडेट आते हैं उनको इनकम सर्टिफिकेट 2019 और 2020 फाइनेंशियल ईयर का वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो नाउ हमें एलिजिबिलिटी कंडीशन दी गई है। नेशनलिटी, नो पर्सन हु इज़ नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है? जो भी पर्सन इंडिया के सिटीजन होगा नहीं होगा वो इसको अप्लाई नहीं कर सकता, एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सिग्निफिकेंट इन राइटिंग बी अपॉइंटेड और एम्प्लॉयड अंडर दीज रूल्स। तो जो भी इंडिया के भारतीय नागरिक हैं केवल वही इन्हें अप्लाई कर सकते हैं। शेल देवर द अपॉइंटमेंट, रोलमेंट और एम्प्लॉयमेंट ऑफ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और भूटान अंडर दीज रूल। तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रूल्स बनाए गए हैं नेपाल भूटान और के लिए, तो वो उन रूल्स के अकॉर्डिंग इस इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जहाँ पे बोथ मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट क्या रहने वाली है? तो एज लिमिट जहाँ पे क्या रहेगी,
20 साल से लेकर 25 साल तक जहाँ एज लिमिट रहेगी, और 1 अगस्त 2020 को ही शी की जो भी मेल फीमेल कैंडिडेट हैं, और 2 अगस्त 1995 एंड लेटर देन 1 अगस्त 2000 तक होने चाहिए। तो अप टू ए मैक्सिमम 5 ईयर्स कैंडिडेट बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। SC ST कैंडिडेट के लिए जहाँ पे 5 ईयर की जहाँ पे रिलैक्सेशन दी गई है, अप टू मैक्सिमम 3 ईयर्स केस कैंडिडेट बिलोंग टू OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। तो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 ईयर्स की, अप टू मैक्सिमम 5 ईयर्स फॉर सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स अकॉर्डिंग्स विद द एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्स सर्विस मैन बी आल्सो एलिजिबल फॉर दिस रिलैक्सेशन। तो इस जो भी हमें दी गई है रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग टू जो भी रूल्स दिए जाते हैं उनके अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन आप देख सकते हो। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि जो भी इसको जो जहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड रहने वाला है वो क्या रहने लगा है। कैंडिडेट मस्ट मीट द प्रिस्क्राइब्ड फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द एडमिशन टू सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन 2020 स्पेसिफाइड इन अपेंडिक्स 5 ऑफ नोटिस। तो जहाँ पे आपके लिए जो भी NCC B और C के सर्टिफिकेट हैं वो आप इंटरव्यू के टाइम पे प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे आपको वहाँ पे मार्क्स मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे जहाँ पे जो भी इसमें फीस रहने वाली है, तो फीस जहाँ पे कितनी रहने वाली है। फीस जहाँ पे 200 रहेगी, जो कि किसके लिए होगी, वो केवल OBC और जो भी जनरल कैटेगरी के आते हैं और EWS के लिए रहेगी। और फीमेल कैंडिडेट और फ्रेंड्स यहाँ पे फीस कितनी बताई गई है, तो फीस यहाँ पे 200 बताई गई है। SC ST कैंडिडेट और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए फीस नहीं रखी गई है। तो फीस केवल किसके लिए रखी गई है, जहाँ पे फीस यहाँ पे जो भी हमारे OBC और EWS और जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए फीस यहाँ पे होगी। उसके बाद हमें जहाँ पे जो भी फीस होगी वो ऑनलाइन मोड से की जाएगी। फ्रेंड्स, ऑल फीमेल कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी फी। कोई भी फी उन्हें नहीं देनी है। नो फी एग्जेम्पशन इज हाउएवर अवेलेबल टू OBC EWS कैंडिडेट एंड दे आर रिक्वायर्ड टू पे द फुल प्रिस्क्राइब्ड फी। उसके बाद हम इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो कैंडिडेट जहाँ पे जो भी उनको वेबसाइट दी गई है उससे वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसमें अप्लाई कर सकते हैं, और उन्हें जो भी फॉर्म वगैरह उस पर अपलोड करने होंगे, और कैंडिडेट को उसकी जो हार्ड कॉपी है वो सबमिट नहीं करनी होगी। तो ये थी इसके बारे में, फॉर्म की जो भी एज लिमिट थी तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो अब हम करेंगे जो लास्ट डेट है वो कितनी रहने वाली है। लास्ट डेट जहाँ पे 7 सितंबर 2020 रहने वाली है, और द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 14/9/2020 टू 29/2020 तक हम इसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, विदड्रॉल का मीनिंग जहाँ पे कि कोई भी कैंडिडेट अपनी एप्लीकेशन को वहाँ पे जो है वो कैंसिल करवा सकता है 14/9/2020 से लेके 20/9/2020 तक। उसके बाद हम आगे देखेंगे, तो उसके बाद हमें इम्पोर्टेंट ऑल कम्युनिकेशन टू द कम्युनिकेशन शुड बी कंटेन द फॉलोइंग पार्टिकल नेम एंड ईयर ऑफ द एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन ID रोल नंबर नेम ऑफ द कैंडिडेट कंप्लीट पोस्टल एड्रेस एज गिवन इन द एप्लीकेशन वैलिड एंड एक्टिव ईमेल ID। ये सारी जो हैं चीज़ें भी आपको वहाँ पे भेजनी होंगी। सर्विस एलोकेशन, जो भी सर्विस मिलेगी वो मेरिट लिस्ट के बेस पे बनाई जाएगी कि जिसके हिसाब से नंबर आएंगे उस हिसाब से वो भी जो डिपार्टमेंट दिए जाएंगे। तो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, तो रिटन एग्ज़ाम जो होगा वो कब होगा, 20 दिसंबर 2020 को, और पेपर फर्स्ट होगा 10 बजे से लेके 12 बजे तक, और सेकंड पेपर आपका होगा 2 बजे से 5 बजे तक। पेपर 1 में आपको जो होगा वो 250 नंबर का होगा, जिसमें जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंसी और के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो आपका सेकंड पेपर है और जो फर्स्ट पेपर होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में सेट किया जाएगा, और जो सेकंड पेपर है वो 200 मार्क्स का जनरल स्टडीज SC और कंप्रेशन इसमें पूछा जाएगा। तो कैंडिडेट शुड इंश्योर द पेपर 2 दे राइट द आंसर्स ओनली इन द मीडियम अलाउड इन कमीशन।
तो जो भी मीडियम कमीशन के द्वारा लोड किया गया है कैंडिडेट उसी मीडियम में वहाँ पे उनका आंसर देंगे। तो उसके बाद है फिज़िकल स्टैंडर्ड, फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट क्या रहने वाला है। तो मेल के लिए 100 मीटर रेस रहेगी इन 16 सेकेंड और फीमेल के लिए 18 सेकेंड्स, और 800 मीटर रेस रहेगी 3 मिनट 45 सेकेंड में और जहाँ पे 4 मिनट 45 सेकेंड में। लॉन्ग जंप जहाँ पे रहेगा 3.5 मीटर और 3.0 मीटर गर्ल्स के लिए, और 3 चांसेस मिलेंगे जहाँ पे भी 3 चांसेस, और शॉट पुट 7.26 kg का 4 मीटर तक वो डिस्टेंस कवर करना चाहिए। तो उसके बाद हमारा है इंटरव्यू एंड पर्सनालिटी टेस्ट। तो जो भी इंटरव्यू है वो कितने मार्क्स का रहने वाला है, 150 मार्क्स का। तो उसके बाद जो भी मेरिट लिस्ट बनेगी इंटरव्यू और जो भी एग्ज़ाम होंगे उन पे बेस पे बनाई जाएगी। तो जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस जो भी पेपर 1 का सिलेबस रहेगा, तो उसमें रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, जो भी मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल साइंस जो होती है 10th तक वो पूछी जाएगी, करंट इवेंट्स, करंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, जनरल स्टडीज़ में आपको पूछा जाएगा, एसे एंड कंप्रेशन, कंप्रेशन में आपको प्रेसी राइटिंग और अदर कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्किल्स जो हैं वो पूछी जाएंगी। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की इंस्ट्रक्शंस। तो अगर आपको इसको पूरी डिटेल में जो जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से PDF को डाउनलोड करके इसको अच्छे से देख सकते हो। तो नीचे जहाँ पे परफॉर्मा भी बताया गया है कि आप इन जो सर्कल दिए जाते हैं इनको किस तरह से फिल करोगे। तो आपको फ्रेंड्स केवल ब्लैक पेन का ही यूज़ करना है, किसी और पेन का आप यूज़ नहीं करोगे। और जहाँ पे एक जहाँ पे जो है वो बताया गया है कि एक सर्टिफिकेट भी शायद जहाँ पे लगेगा, जो भी आइस है लिमिट्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आइस के लिए बताया गया है 6x6, 6x12, और नियर विजन के लिए N6 N9, ठीक है, जे करेक्ट रहेगा। और उसके बाद आप इनको डिटेल में देख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, जहाँ पे वेट के बारे में बताया गया है, तो इन सारी चीज़ों को आप PDF से देख सकते हो। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।